रीवा जिले में लापता नाबालिग किशोरी को समान थाना पुलिस ने दस्तयाब कर सोहेल खान नाम के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र से एक 14 वर्षीय किशोरी विगत कुछ दिनों से लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत परिजनों के ने धारा 163 के तहत समान थाने में दर्ज करवाई थी। मामला वहीं समान पुलिस के द्वारा लगातार लड़की का पता तलाश किया गया तो पता चला कि लड़की हैदराबाद में है, जहां नाबालिग किशोरी को हैदराबाद में सोहेल खान अपने पास रखा था, जिसे साइबर व समान थाना पुलिस की टीम को गठित कर हैदराबाद भेजा गया, जहां से एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ जिसका नाम सोहेल खान बताया जा रहा है। नाबालिग ने बयान में बताया कि सोहेल खान से उसका संपर्क हुआ था, जहां से वह उसे वीडियो चैट भी किया करता था और उसका कुछ वीडियो बना लिया था, जो उसका वीडियो पर्सनल भेजकर ब्लैकमेल किया करता था, जिसके बाद उसने किशोरी को हैदराबाद बुला लिया और हैदराबाद में ले जाकर उसे अपने साथ रख लिया था, जहां परिजनों की शिकायत पर लगातार लड़की का पता तलाश किया गया और साइबर टीम की मदद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उनतीस अप्रैल को थाना समान में एक रिपोर्ट आई थी कि एक बच्ची है करीब 15-16 साल की, वो अपने घर पे नहीं मिल रही है और जिसके आधार पे उसमें 363 का मुकदमा दर्ज करके उसकी विवेचना की जा रही थी। विवेचना के क्रम में ये पता चला कि लड़की की बातचीत हैदराबाद में एक लड़के से हो रही है, जिसके आधार पे वहाँ टीम भेजी गई थी और लड़की को दस्तयाब किया गया था और लड़की का बयान के आधार पे इसमें धारा 363, 354 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत धारा इसमें किया गया था और जो आरोपी सोहेल खान है उसको गिरफ्तार इसमें किया गया है। अभी तक ये पाया गया है कि लड़की का वीडियो चैटिंग से बात की जा रही थी, एक कोई वीडियो भी उसने बना लिया था जिसके आधार पे वो ब्लैकमेल किया था और लड़की को वहाँ उसने बुलवाया था। तो ये सारी चीज़ें अभी कथन के आधार पे हैं, उसकी विवेचना की जा रही है पूरी।